बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की नई फिल्म पठान की रिलीज का पहला रोज बिजनेस के हवाले से कामयाब साबित हुआ। फिल्म ने इब्तदाई रोज 57 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और इसको बॉलीवुड में एक रिकॉर्ड करार दिया जा रहा है। पठान को 25 जनवरी को भारत समेत दुनिया भर में रिलीज किया गया था और इसकी नुमाइश के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं ने धमकी दे रखी थी। फिल्म को 25 जनवरी का आगाज होते ही रात को 1 बजे भारत की सिनेमाओं पर दिखाया गया था और इसका पहला शो रात गए दिखाया गया था और हिंदुस्तान भर में फिल्म को देखने के लिए सिनेमाओं के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग गई थीं। फिल्मी मुबस्सरीन का ख्याल था कि पठान रिलीज के पहले दिन ज्यादा से ज्यादा 35 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हो जाएगी और इब्तदाई तौर पर बाज़ फिल्मी नाकदीन ने दावा किया था कि फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 20 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन अब फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी ने बताया है कि फिल्म ने पहले ही दिन 57 करोड़ रुपए बटोरे, जिसमें 55 करोड़ रुपए की कमाई हिंदी वर्जन की फिल्म ने की, जबकि 2 करोड़ रुपए तेलुगु और तमिल जुबानों में रिलीज होने वाली पठान ने कमाए। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक यश राज फिल्म्स ने मीडिया को जारी बयान में तस्दीक की है कि फिल्म ने मजमूई तौर पर 57 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से हिंदी वर्जन की फिल्म ने भारत से 53 करोड़ रुपए बटोरे। पठान को बयक वक्त हिंदी के अलावा तेलुगु और तमिल जुबानों में भी रिलीज किया गया था और इसे भारत के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी पेश किया गया था। इसी हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि पठान ने रिलीज होने के पहले ही दिन कई नए रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। रिपोर्ट में बताया गया कि पठान भारत समेत दुनिया भर में पहले ही दिन 8,000 सिनेमा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली अब तक की पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। इसी तरह फिल्म के हिंदी वर्जन ने 55 करोड़ रुपए कमाकर पहले ही दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म का एजाज भी हासिल कर लिया। साथ ही में वो छुट्टी के बगैर वाले दिन पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। यूं पठान रिकॉर्ड कमाई के साथ शाहरुख खान की पहले ही दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। उनके 30 साल करियर में कोई भी फिल्म पहले दिन इतनी कमाई नहीं कर पाई थी। इसी तरह पठान रिकॉर्ड कमाई के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक 57 करोड़ रुपए की कमाई के बाद पठान पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दूसरे नंबर पर अप्रैल 2022 में रिलीज होने वाली KGF चैप्टर 2 है, जिसने पहले दिन 53 करोड़ 95 लाख रुपए कमाए थे। फेरिस में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म वार है, जिसे अक्टूबर 2019 में रिलीज किया गया था। पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में चौथे नंबर पर आमिर खान की फिल्म टग्स ऑफ हिंदुस्तान है, जिसने 52 करोड़ 25 लाख बटोरे थे और इसे नवंबर 2018 में पेश किया गया था। जबकि पांचवे नंबर पर अक्टूबर 2014 में रिलीज होने वाली शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर है, जिसने 44 करोड़ 97 लाख रुपए कमाए थे। यूट्यूब पर गूगली न्यूज देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।